इस समय ना करें पैसों का लेन देन वरना फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। वास्तुशास्त्र हिंदू धर्म के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण विज्ञानों में से एक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने घर और कार्य क्षेत्र में वास्तु नियमों का ध्यान रखता है तो वह कई परेशानियों से बचा रह सकता है। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र में लेन देन से संबंधित भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति को हानि नहीं झेलनी पड़ती। वास्तुशास्त्र की माने तो संध्या के समय और सूर्योदय के बाद कभी भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस समय में किसी को पैसे उधार भी नहीं देने चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। इसके साथ ही शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के समय भी पैसों का लेन देन अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त और सूरज ढलने के बाद किए गए लेन देन से व्यक्ति को आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है और इससे हाथ में कभी पैसा नहीं टिकता, क्योंकि यह समय माँ लक्ष्मी के विचरण का समय माना गया है। ऐसे में इस समय किए गए लेन देन से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिस कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हमेशा सूर्योदय से पहले या फिर सुबह के समय पैसों का लेन देन या पैसों से जुड़े कार्य आपके द्वारा किए जा सकते हैं। वहीं हिंदू शास्त्रों में सूर्योदय के बाद या फिर सूर्यास्त से ठीक पहले की अवधि को पैसों से जुड़े कार्य करने के लिए बेहतर माना गया है। यदि आप भी इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं तो आज ही सावधान हो जाइए। और इस जानकारी पर आपके क्या विचार है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।